हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई की कहानी। मार्केट में जाओ तो बस हरी भरी सब्जियां, मटर, गाजर, इससे ही भरा हुआ मिलेगा मार्केट में। और ऐसे में गाजर का हलवा ना बने ये भी नहीं सकता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। विंटर सीजन में मोस्टली हर घर में, मुझे लगता है इंडिया में, गाजर का हलवा तो जरूर ही बनता होगा। एक बार ही सही पर गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं। इसे मैंने साफ धोकर पोंछकर इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब इसे हमें ग्रेट कर लेना है। मैं नॉर्मल ग्रेटर से इसे ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहिए तो बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकती हो। अच्छे से ग्रेट कर लीजिए। देखिए, अब हम हलवा बनाना शुरू करते। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, 2 टेबलस्पून जितना घी डाले और इसमें पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। मैंने इसमें काजू, बादाम और रेजन्स लिए, दैट इज किशमिश। किशमिश बलून के तरह फूल जाए थोड़ी सी, उतना ही हमें भूनना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ये रोस्ट हो गए अच्छे से, अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और इतने ही घी में हमें गाजर को भूनना है। हमें जरा भी ज्यादा घी यूज करने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो, पर बाद में ऐड कीजिए जब गाजर ऑलमोस्ट भुन जाए, हलवा तैयार हो जाए। फिर देखिए, इसे 2 मिनट भुनिए जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, बस। ज्यादा भुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है इसे। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। अगर आप खोया यूज नहीं करोगे तो आप 1.5 लीटर तक दूध ऐड कीजिए ताकि खोया वाली फीलिंग आए हमें। मैं खोया ऐड कर रही हूँ इसलिए मैंने 1 ही लीटर दूध ऐड किया है। और देखिए, साइड का जो भी चिपक रहा है उसे थोड़ा थोड़ा स्क्रेप करते रहिए। इस हलवा को आपको जरा भी कंटिन्यूअसली चलाने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में आप देखते रहिए। ये हलवा जरा भी चिपकेगा नहीं जब तक आपका दूध 70-80% रिड्यूस ना हो जाए। देखिए, जैसे ही ये ऐसे स्टेज पे आएगा जब दूध थोड़ा ही बचा है, तब आप इसे लगातार चलाइए ताकि ये चिपके नहीं। देखिए, थोड़ा सा दूध बचे तभी आप इसमें 1 कप जितनी चीनी ऐड कर दीजिए। 1 से 1.25 कप तक चीनी काफी रहेगी इतने गाजर के लिए, या फिर आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मावा डाल दीजिए। आप चाहिए तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो, मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ और करछी की मदद से इसे स्मैश कर रही हूँ। देखिए, शुगर डाला है हमने इसके लिए, हलवा वापस थोड़ा पतला हो गया है, तो हमें जब तक इसका पानी पूरा सा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया है, इसके लिए मेरी आवाज एकदम अजीब अजीब सी आ रही है बीच में। देखिए, हलवा ऑलमोस्ट अब रेडी है। लास्ट में थोड़ा सा घी डालिए। आप चाहिए तो इस समय में घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर आपको घी ज्यादा पसंद है। ड्राई फ्रूट्स डालिए, इलायची पाउडर डालिए और मिक्स करके इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैं इसे एकदम हलवाई वाला फीलिंग देने के लिए मावा से ग्रेट करके इसे डेकोरेट कर रही हूँ और साथ ही मैं ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप चाहिए तो ऐसे भी सर्व कर सकते हो, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंजॉय द कुकिंग।